नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का स्पेशल शो सिटी 60 और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सिटी 60 में सबसे पहले बात होगी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए यूपी के बहराइच से दो और लोगों को पकड़ा है जिन्हें इस साजिश का पहले से ही पता था। क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल से सीसीटीवी वीडियो लिए हैं। आपको दिखाते हैं हत्याकांड में क्या हुआ, क्या कुछ नया एंगल सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट। 15 में विधायक जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इनकी फुटेज कब्जे में ली है ताकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की हर तस्वीर की तह तक तहकीकात हो सके। शनिवार को इसी दफ्तर से निकलते वक्त बाबा सिद्दीकी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने अपने बयान के दौरान बताया था कि वो लगातार पिछले 25 से 30 दिन से बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी के कार्यालय, घर और ऐसी तमाम जगहों की रेकी करते थे जहां पर उनके इवेंट्स होते थे। हर मुश्किल प्रयास किया जा रहा है कि ताकि किसी तरह का एविडेंस मिल सके। अगर आरोपियों ने यहां रेकी की होगी तो जाहिर सी बात है कि कैमरे में कुछ क्लू मिल जाएगा। यहाँ तमाम जितनी दुकानें हैं हर जगह से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं क्राइम ब्रांच द्वारा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी दो शूटर शनिवार की रात ही पकड़ लिए गए थे। एक शूटर शिवा फरार है जिसकी तलाश हो रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने बहराइच से दो लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक का नाम हरीश है जिसकी दुकान पर पुणे में धर्मराज और शिवा काम करते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरीश ने वारदात से कुछ दिनों पहले ही शिवा और धर्मराज को नया मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। शक है कि हरीश को पूरे हत्याकांड की जानकारी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल आरोपियों के पास आदेश स्नैपचैट के जरिए आ रहा था जिसे पढ़ने के बाद वो डिलीट कर दे रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने उसे कबूल किया है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फरार शूटर शिवा ही हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को घाटकोपर से लेकर आया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट पुणे में लिखी गई थी। आरोपियों को 50,000 रुपए दिए गए थे और बाकी रकम काम के बाद देने का वादा किया गया था। जो किरदार सामने आ चुके हैं उनकी भूमिका तो साफ हो रही है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है और सुपारी किसने दी इसका खुलासा अभी बाकी है। देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी पार्टियां अभी बहुत से दांव खेलेंगी, लेकिन आज चुनाव आयोग ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो ऐसे कि चुनाव वीकेंड पर ना रखकर हफ्ते के बीच में यानी कि बुधवार को रखा है ताकि लोग घूमने फिरने या लंबी छुट्टी पर ना निकले और बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। मुंबई यानी दौड़ता भागता शहर, मुंबई यानी जिंदा दिल्ली का दूसरा नाम, मुंबई यानी माया नगरी। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 24 घंटा जो शहर चलता रहता है उस शहर का नाम है मुंबई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बार अलग बात यह है कि चुनाव आयोग ने वीक डे में बीच बुधवार का दिन चुनाव के लिए चुना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वीकेंड पर जब वोटिंग होती है तो शहरों में लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो डेटा शेयर किए। एक महाराष्ट्र की शहरी सीटों का था जहां 2019 में औसत से 15% कम वोटिंग हुई थी। दूसरा डेटा देश भर के शहरों में चुनाव के ट्रेंड का दिखाया जहां वीकेंड में वोटिंग होने पर लोग दिलचस्पी नहीं लेते। कुल वोटिंग प्रतिशत की तुलना में शहरों में कम वोटिंग का ट्रेंड दिखता है। महाराष्ट्र में 64 शहरी सीटें हैं। 2019 में प्रदेश में जहां औसत वोटिंग 61% रही, वहीं शहरी सीटों पर 40 से 45% तक ही वोटिंग हुई थी। असल में होता यह है कि वीकेंड पर वोटिंग होने के दौरान लोग छुट्टियों पर खंडाला, लोनावला जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने निकल जाते हैं और वोटिंग का प्रतिशत कम हो जाता है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि शहरों में वोटिंग सुधारने के लिए कैंपेन चलाया जाएगा। और चलिए अब सिटी 60 में बात होगी चेन्नई की, जहां पर एक बार फिर से बेमौसम बरसात बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी है। अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजधानी चेन्नई से मूसलाधार बरसात की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने कल छुट्टी का ऐलान किया है। Thank you.
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के फ्लाईओवर पर गाड़ियों की ये कतार कोई ट्रैफिक जाम नहीं बल्कि बारिश से गाड़ियों को बचाने के लिए फ्लाईओवर पर पार्किंग लॉट बन जाने की तस्वीर है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की और सबसे पहले चेन्नई में मौसम का मिजाज खराब हो गया। बारिश से शहर में तमाम इंतजाम चरमरा न जाएं इसके लिए एहतियात के तौर पर राहत कार्य पहले दिन से शुरू हो चुके हैं। 20 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 4 जिलों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहले से तैनात रखा है, जिनका मनोबल ऊंचा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री स्टालिन सड़कों पर उतर आए और फ्लाईओवर पर गाड़ियों की कतार इसलिए लगी है क्योंकि पिछले बार जब चेन्नई डूबा था तो गाड़ियां सड़क पर बहने लगी थी। 10 साल में तीसरी बार चेन्नई पर आफत की आशंका है। जाता हुआ मानसून चेन्नई में कहर बरपाने के लिए कुख्यात है। इस बार प्रशासन अलर्ट पर है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।